गुड आफ्टरनून, आई लव यू क्लास सिक्स सीबीएसई बोर्ड। देखिए हिंदी में आज हिंदी व्याकरण में हम लोग पढ़ेंगे सिक्स चैप्टर आपका संज्ञा। क्या दिया हुआ है? संज्ञा यानी नाउन। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। कहीं पर भी यदि किसी व्यक्ति का नाम है, प्राणी है, स्थान या कोई भी वस्तु या भाव के नाम दिए हुए हैं तो हम उन्हें क्या कहेंगे? संज्ञा। जैसे मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो मोर नाम है। पक्षी का क्या नाम? पक्षी का नाम है, इसलिए यहाँ क्या हो गया? मोर, ये संज्ञा है। देखिए आगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद यानी संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा पांच प्रकार की होती है या संज्ञा के पांच भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष स्थान का या किसी विशेष वस्तु का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक कैसे हैं। जैसे गंगा एक बहुत बड़ी नदी है, गंगा हिमालय से निकलती है, या महात्मा गांधी ने हमें आज़ादी दिलाई। जैसे यहाँ गंगा, देखिए नदी, अगर केवल नदी आ गया तो ये नहीं होगा, केवल नदी आ गया तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अगर नाम आ गया, जैसे गंगा नदी, यानी गंगा आ गया तो गंगा क्या है? ये संज्ञा हो गया। यानी जहाँ पर किसी विशेष पर्सनली किसी का नाम लिया जाए, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम बोध हो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बताए इनमें हिमालय, गंगा, महात्मा गांधी, ये सब क्या नाम बताए अभी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये विशेष व्यक्ति वस्तु का नाम है। देखिए व्यक्तियों के नाम में जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, ये सब दिशाओं के नाम आ जाए, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, तब भी ये क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा आएंगे। अगर देशों के नाम आ जाए, जैसे भारत, अमेरिका, जापान, पाकिस्तान, चीन, ये सब ऐसे देश आ जाए तो क्या होंगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समुद्रों के नाम आ जाए, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, भूमध्य, ऐसे आ जाए तो ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक है। यदि नदियों के नाम आ जाए, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, ये सब आ जाए, ये भी क्या होंगे? संज्ञा होंगे। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि इसमें नाम आ रहा है। देखिए चाहे वस्तु हो, चाहे देश हो, चाहे जो कुछ भी हो, किसी का नाम आया तुरंत वो कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर्वतों के नाम आ जाए, हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, काराकोरम, ये सब क्या है? पर्वतों के नाम। नगर, चौक या सड़क के नाम आ जाए तभी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, जैसे वाराणसी, पटना, इलाहाबाद, है ना, प्रयागराज, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक। पुस्तकों या समाचार पत्रों के नाम आ जाए, जैसे रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्मयुग, समाचार पत्र जैसे अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक, क्योंकि नाम आ रहा है। केवल अगर अखबार आ गया, ये अखबार, बहुत से अखबार मिलते हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। दिन, महीनों के नाम आ जाएं, जैसे मंगल, बुध, बृहस्पतिवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सब क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। ये आपको याद रखना है कि जब भी दिन का नाम आएगा कहीं पर तो वो कौन सी संज्ञा होगी, महीनों का नाम आएगा जनवरी, फरवरी, तो वो फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो वो कौन सी संज्ञा होंगी, ये आपको याद रखनी है। सब कहीं पर भी कोई भी त्यौहार या उत्सव का नाम आएगा तो भी वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक, अब देखिए जातिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक ही प्रकार की व्यक्ति का बोध हो जहाँ पर, वो जातिवाचक संज्ञा हुआ। जैसे फल बहुत मीठे हैं, जैसे फल बहुत मीठे हैं, गाय घास चर रही है, मोर बाग में नाच रहा है,
इन वाक्यों में फल, गाय, मोर और बाघ जातिवाचक संज्ञाएं हैं। क्या हैं? जातिवाचक संज्ञाएं हैं। फल अनेक फलों के लिए है, फल अनेक फलों के लिए है ना। फल बहुत से मीठे, फल बहुत मीठे हैं, केवल किसी एक पर्सनली फल का तो नाम लिया नहीं जा रहा है, यहाँ सभी फलों की बात हो रही है। गाय घास चर रही, यहाँ किसी एक गाय की बात नहीं की जा रही कि गाय का नाम है कोई, सभी गाय की जाति जितनी गाय हैं सब की बात हो रही है। घास कई प्रकार की होती हैं, एक ही घास की बात नहीं हो रही है, ठीक। इसी तरह मोर, अनेक मोर होते हैं, बाग में किसी एक पर्सनली मोर का नाम नहीं लिया जा रहा है, जब एक का नाम ले लेंगे तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जातिवाचक में सभी का, जैसे कह दिया जाए कास्ट होती हैं कि जैसे तमाम कास्ट होती है ना, साहू, कुशवाहा, यादव, ये सब तमाम कास्ट होते हैं ना, तो कहते हैं इनको हम सब क्या बोलते हैं, पिछड़ी वर्ग जाति बोलते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं पिछड़ी वर्ग जाति में आते हैं, तो ये क्या हो गई, एक जाति हो गई। अगर सबका अलग अलग कह दिया पर्सनली किसी का ले लिए तब व्यक्तिवाचक हो जाएगा वो, ठीक। देखिए जातिवाचक संज्ञाएं निम्नलिखित रूप में होती हैं, जिस संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम, जैसे जातिवाचक कहाँ आएगा, अगर सारे संबंधियों का नाम हो, जैसे बहन, तो बहन में केवल आप कोई पर्सनली एक ही बहन तो है नहीं, कई बहनें हैं हो सकती हैं, चाची, चाचा, दादा, ऐसे सब तमाम में हो सकते हैं ना। देखिए व्यवसायों के नाम, जैसे बिजनेस कोई भी कर रहा उनके नाम, पद और कार्यों के नाम, जैसे प्रोफेसर, आप कोई एक ही पर्सनली कोई एक ही व्यक्ति जो प्रोफेसर नहीं है, तमाम लोग प्रोफेसर हैं, जैसे टीचर, अध्यापक, कोई एक तो अध्यापक है नहीं, टीचर है नहीं, तमाम टीचर अध्यापक हैं। पशु पक्षियों के नाम, घोड़ा, गाय, कौवा आदि, तोता, मैना, ये सब क्या है, जाति वाचक संज्ञा। जैसे घोड़ा का नाम, घोड़ा आया, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, केवल घोड़ा, किसी एक घोड़े की बात नहीं हो रही है, सभी घोड़ों की बात हो रही है, ठीक। वस्तुओं के नाम, जैसे मकान, कुर्सी, घड़ी, पुस्तक, कलम, टेबल आदि, ये जातिवाचक। प्राकृतिक तत्वों के नाम, जैसे तूफान, बिजली, वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब आते हैं, ये भी जातिवाचक संज्ञा होते हैं। याद रखिए जातिवाचक संज्ञा किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता है, बल्कि एक ही प्रकार की सभी वस्तुओं यानी सभी प्राणियों का बोध कराती है। जैसे अभी बताया, जैसे टीचर, जैसे बताया टीचर, यहाँ किसी एक व्यक्ति का नहीं बोध हो रहा है कि किसी का नाम ले लिया फला टीचर, किसी एक का नाम ले लिया तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक, लेकिन कह दिया कि सभी टीचर यहाँ हैं, सभी टीचर मतलब कई टीचर है ना, टीचरों का जो समूह या जो टीचरों की जाति का बोध होता है इससे। तो ये सभी प्राणी या वस्तुएं एक भी हो सकते हैं, दो की संख्या में होते हैं, या उससे भी बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, एक दो नहीं बल्कि बहुत बड़ी संख्या में होते हैं जाति वाले। देखिए अब आगे है भाववाचक संज्ञा। तीसरा क्या है भाववाचक, जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा अथवा भाव का बोध होता है, यानी किसी का गुण, दोष, कोई दशा या अवस्था का पता चलता है, वो भाववाचक संज्ञा होती है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, थकावट, बचपन आदि, ये सब क्या है, भाववाचक, यानी जहाँ पर भावात्मक रूप से कोई ना कोई चीजें आएंगी, ठीक। जैसे अच्छाई, बुराई, ईमानदारी करना, ये गुण दोष होते हैं। अवस्था, जैसे जवानी हमारी, अमीरी गरीबी, ये अवस्था होती है। भाव, इसे क्रोध, मोह, लोभ आदि, समय, दिन रात आदि। अब है समूहवाचक संज्ञा, भाव तो समझ गए, जहाँ भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो, समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह कह दिया जाए सभा, यहाँ कोई सभा आयोजित है, ये सभा क्या हो गई, एक समूह है ना। दल, ये दल भी क्या है, समूह है। गिरोह, जैसे चोरों का गिरोह होता है, गिरोह में कोई एक नहीं होता है बल्कि कई लोग शामिल होते हैं। वस्तुओं का समूह, अंगूरों का गुच्छा, ये क्या है, कई अंगूरों का समूह है ना ये। जैसे क्लास, कक्षा, क्लास कक्षा, इसमें कोई एक विद्यार्थी तो रहता नहीं है, कई विद्यार्थी रहते हैं, इसीलिए कई बच्चों का, कई विद्यार्थियों का समूह वगैरह हो जाता है। सेना,
सेना में भी सैनिकों का समूह होता है, यानी जहाँ पर किसी एक नहीं बल्कि जहाँ पर समूह यानी कई लोगों के समूह इकट्ठा होने की बात हो वहाँ समूहवाचक संज्ञा होती है। ठीक, ठीक है। अब है द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा को सामान्यतः बहुवचन नहीं होता है, इस संज्ञा का सामान्यतः बहुवचन नहीं होता, जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल, तेजाब इत्यादि, इनका बहुवचन नहीं होता। जैसे लोहा का क्या लिखेंगे, लोहाएं? नहीं, इनका बहुवचन नहीं होता है। देखिए, तो देखो ये हो गई द्रव्यवाचक संज्ञा, जिनको हम नाप सके तौल सके, ये बहुत आसान है पहचानना, तो नाप सके तौल सके ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, जैसे लोहा है तौल सकते हैं, सोना है तौल सकते हैं, चांदी है तौल सकते हैं, दूध है नाप लेते हैं, पानी है नाप सकते हैं, तेल है नाप लेते हैं, तेजाल है लीटर से नाप लेते हैं सबको। देखिए अब है आगे भाववाचक संज्ञाएं बनाना। भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाते हैं? सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा से, जैसे भाई, जातिवाचक संज्ञा आ गया जैसे भाई, तो भाववाचक कैसे बनाएंगे? भाईचारा, व्यक्ति से व्यक्तित्व, स्त्री से स्त्रीत्व, मानव से मानवता, इंसान से इंसानियत, शिक्षक से शिक्षा, बच्चा से बचपन, खटाई से खटास, सज्जन से सज्जनता। ठीक, ये है था जातिवाचक से। अब आगे दिया है, अगर सर्वनाम शब्दों से भाववाचक बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? जैसे सर्वनाम दे दिया जाए पराया, तो भाववाचक क्या बनेगा? परायापन। मम से ममता, ममत्व, स्व से स्वतत्व, अपना से अपनापन, अपनत्व, आप से आपा, निज से निजत्व। अगर विशेषण आ जाए जैसे आलसी, विशेषण क्या होती है? जो किसी भी शब्द की विशेषता या गुण दोषों को बताते हैं, वही विशेषण। जैसे विशेषता बताते हैं आलसी, आलसी से क्या बन जाएगा? आलस्य। कायर से कायरता, अच्छा से अच्छाई, सुंदर से सुंदरता, गंदा से गंदगी, ऊंचा से ऊंचाई, मीठा से मिठास, महंगा से महंगाई। ये तो ये हो गया आपका इस चैप्टर समाप्त। ठीक, इस चैप्टर में आप लोग आगे दिया हुआ है आव दोहराएं। तो संज्ञा क्या होती है? किसी प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के पांच प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, और जिस शब्द से किसी एक जाति या प्राणी का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा। तो क्वेश्चन दिया है आपकी जो संज्ञा किसे कहते हैं आप कर लेंगे, उदाहरण भी लिख लेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा ये भी कर लेंगे उदाहरण, भाववाचक, द्रव्यवाचक सब कर लेना है। दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए, जैसे मीठा से क्या होगा? मिठास, मीठा से मिठास, आलसी से अभी बताया था आलस, निपुण से निपुणता, अपना से अपनापन, मम से ममत्व, अच्छा से अच्छाई। ठीक, ये आपको ऐसे बना लेना है। तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में सब लोग नोट कर लीजिएगा। और आगे अगला क्वेश्चन क्या है? खुशबू बहुत सुंदर है, इसमें आपको संज्ञा छाटना है, यानी अलग अलग करना है कि संज्ञा कौन सी है इसमें, ये बताना है, और संज्ञा का भेद कौन सा है, यानी खुशबू बहुत सुंदर है, खुशबू बताइए, खुशबू बहुत सुंदर है, खुशबू कौन सी संज्ञा है या संज्ञा का कौन सा भेद है बताइए, बता लीजिएगा आप लोग। ठीक, आज के लिए इतना ही, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, बाकी सब नेक्स्ट टाइम।